बड़ी खबर आ रही है, कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल की पद का पद खाली था, मार्गरेट आलवा ने छोड़ा था, उसके बाद अब कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आपको बता रहे हैं हम, कल्याण सिंह पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाए गए हैं राजस्थान के। कई दिनों से अटकलें थी। इसी तरह बजूभाई बाला कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए हैं। इन मृदुला सिन्हा को बनाया गया है, गोवा की राज्यपाल होंगी मृदुला सिन्हा। कल्याण सिंह राजस्थान के, विजेंद्र सिंह संवाददाता जुड़े हैं हमारे साथ। विजेंद्र, क्या है पूरी खबर? देखिए, राष्ट्रपति भवन से ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा रहा है, वजूभाई बाला को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया जा रहा है, और सी विद्यासागर राव को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया जा रहा है, और मृदुला सिन्हा को गोवा का गवर्नर बनाया जा रहा है। जब वो शपथ लेंगे अपने पद और गोपनीयता की, उसके बाद से लागू होगा। और ये राष्ट्रपति भवन से बता दिया गया है, अभी जो प्रेस कम्युनिके आया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो अटकलें चल रही थी वही नाम लगभग है इसमें। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह होंगे, कर्नाटक के वजूभाई बाला होंगे, और महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव, और गोवा के राज्यपाल होंगी मृदुला सिन्हा। और शीला दीक्षित के नाम को लेकर भी अटकलें चल रही थी कि शीला दीक्षित को बदला जा सकता है। जी, वो कल मिली हुई थी राष्ट्रपति से, पर इसके बारे में राष्ट्रपति भवन से अभी तक कुछ जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि जब तक कोई फैसला इस पर नहीं होता है तब तक ऑफिशियली राष्ट्रपति भवन इस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, और अभी भी वो केरल के राज्यपाल हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चार राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए हैं कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, इन तीन जगह के राज्यपालों की भी नियुक्ति कर दी गई है।